11 पैर पाइथन खुद से अधिक हिरण का आनंद लेता है, कमजोर के लिए चित्र नहीं। ऐसा लगता है कि फ्लोरिडा के कोलियर सेमिनोल स्टेट पार्क में सांप को एक से अधिक काट नहीं करने पर ज्ञापन नहीं मिला है। ग्राफिक फोटो निश्चित रूप से बेहोश करने वालों के लिए नहीं। एक बर्मीज अजगर दिखाते हैं जो कि एक सफेद पूंछ वाले हिरण फेंक दिया था जो उसमें फैला था। दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा विज्ञान विभाग के संरक्षण में वन्य जीव विज्ञानी द्वारा चित्रित किया गया चित्र संभवतया दिखाते हैं कि अजगर की किसी भी प्रजाति के शिकार अनुपात का सबसे बड़ा शिकार करने वाला व्यक्ति क्या हो सकता है। राज्य पार्क से संरक्षण और भूमि प्रबंधकों के वन्य जीव विज्ञानी सर्प 7 अप्रैल 2015 को एक 11 फुट महिला बर्मा पाइथन पर अनुसंधान करते हुए उन्होंने हाल ही में तस्वीरों को जारी किया, जबकि इस घटना के दस्तावेजीकरण हपेटोलॉजिकल रिव्यू के आगामी अंक में प्रदर्शित किए जाएंगे, जो तिमाही है जो उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को प्रकाशित करता है। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अजगर एक विशाल शिकार की तरह लग रहा था जो निगल लेने के बाद मिला था। एक बार जब सरीसृप एक खुले इलाके में ले जाया गया तो उसने भोजन को खराब कर दिया। टीम ने दोनों जानवरों को तोला। आखिरकार सांप का निर्माण किया गया, जबकि अजगर का वजन 14.29 किलो था। फिन ने 15.88 किलोग्राम वजन वाला शिकारी बना दिया। शिकार अनुपातिक 1.11। शोध में यह भी पता चला है कि बर्मा की अजगर, जो कि अतीत में हिरण खाने का दस्तावेज है, फ्लोरिडा में हिरण की आबादी की धमकी देने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा के राष्ट्रपति और सीओ रॉब मोहर ने कहा, हमारे शोध और निष्कासन प्रयासों से हमें पता चलता है कि विज्ञान क्या करता है। हम मूल्यवान जानकारियां सीख रहे हैं जो हमें इस आक्रामक प्रजातियों के खिलाफ वापस धकेलने में मदद कर रही हैं, जो हमारे देशी वन्य जीवों पर महत्वपूर्ण और नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।